सो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स. अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था चैप्टर अबाउट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. तो जैसे मैंने आपको बोला था कि आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे सैम्पल प्रॉब्लम्स और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती हैं जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन की बात करते हैं. तो इन आवर प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने जगह जगह पर टर्म यूज किया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, सो व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को समझने से पहले आपको याद होगा हम लोगों ने बात किया था स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट. तो व्हाट इज स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट? स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट का मतलब आपने पढ़ाया कि ड्यू टू रिपल्शन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स उतना ज्यादा नहीं रह जाता जितना कि वो ओरिजिनली था. यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स उतना ज्यादा एक्ट नहीं कर पाते जितना कि उन्हें करना चाहिए. तो ऐसे केस में ये स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट यहां लगने वाले जो न्यूक्लियर चार्ज है उसको कुछ हद तक डिक्रीज कर देता है और अब जो नेट न्यूक्लियर चार्ज काम करता है उस नेट न्यूक्लियर चार्ज को आप क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज स्क्रीन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और उसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए आप रिलेशनशिप यूज करते हो. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज गिवन बाय जेड माइनस सिग्मा. जेड क्या है? जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट जिस भी एलिमेंट के लिए हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं. एंड सिग्मा क्या है? सिग्मा इज अ कॉन्स्टेंट विच इज नोन एज स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट. तो किसी भी एलिमेंट में किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम कैलकुलेट कर सकें कि उसके लिए स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट क्या होगा तो इन दैट केस यू कैन कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो. तो स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ रूल्स यूज करते हैं. वो रूल्स क्या हैं? दीज आर द रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो एक चीज आपको याद रखनी चाहिए यहां पे कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स राइट टू द टेस्ट इलेक्ट्रॉन हैव नो कॉन्ट्रीब्यूशन इन स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट. टेस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हम स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट कैलकुलेट कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन के राइट में प्रेजेंट जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे. बाकी के जितने इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं दे ऑल विल कॉन्ट्रीब्यूट. और उसके लिए आप ये कुछ रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं. सबसे पहले ऑल इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सक्लूडिंग टेस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनएस एंड एनपी कॉन्ट्रीब्यूट बाय 0.35. ठीक है, लेकिन अगर ये 1s इलेक्ट्रॉन है जैसे कि इन केस ऑफ हीलियम तो ऐसे केस में 1s इलेक्ट्रॉन विल कॉन्ट्रीब्यूट ओनली बाय एन एक्सटेंट ऑफ 0.3. राइट, तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हम स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है, दूसरी बात ऑल एन माइनस वन इलेक्ट्रॉन दे प्रोवाइड और शील्ड बाय अ वैल्यू ऑफ 0.85. ठीक है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से अंदर वाले शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? दे विल कॉन्ट्रीब्यूट बाय अ फैक्टर ऑफ 0.85. तीसरा जो रूल है वो ये कि ऑल एन माइनस टू इलेक्ट्रॉन
या फिर उसके अंदर के शेल्स के और भी जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब शील्डिंग इफेक्ट कॉज करेंगे, कितना, दे ऑल विल कॉज अ शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 1, ठीक है। और मान लीजिए जो हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो अगर डी या एफ में है, इफ इट इज इन एन डी और एन एफ ऑर्बिटल, तो उस केस में इनके अंदर वाले शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स दे ऑल विल प्रोवाइड अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 ईच, ठीक है। तो ऐसे केस में हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला ले सकते थे, सिग्मा मतलब स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू वैलेंस शेल एक्सक्लूडिंग द टेस्ट इलेक्ट्रॉन प्लस 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन माइनस 1 शेल, ठीक है, एंड प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रिमेनिंग इनर शेल। तो इन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए, इन रिलेशनशिप्स को यूज करते हुए आप कैलकुलेट कर सकते हो स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट, और बाय नोइंग द स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट यू कैन कैलकुलेट, यस यू कैन कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसी रूल्स को हम अप्लाई करेंगे ऑन सम एग्जाम्पल। For example, you have to calculate effective nuclear charge on outermost electron ऑफ जिंक। अब आपको पता है जिंक जिसके लिए एटॉमिक नंबर कितना है 30, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो आपको ये पता चल जाए कि इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। तो जिंक जिसके एटॉमिक नंबर 30, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है, 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 3d10, 4s2। इसका मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जहां पर हमें जिंक का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना था वो इलेक्ट्रॉन आपका कहां प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट इन 4s, ठीक है। ये जो 3s 3p और 3d वाले हो गए ये 18 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ n माइनस 1 शेल, ठीक है, और बाकी के ये जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज ऑल आर इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट कैलकुलेट करने के लिए आपने फॉर्मूला क्या यूज करना था, जो यहाँ पे था, इट इज 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल एक्सक्लूडिंग द टेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 0.35, वैसे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास थे 2, लेकिन इनमें से एक इलेक्ट्रॉन तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसे आप इसको लेंगे नहीं, 0.35 इंटू 1 प्लस फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं एन माइनस 1 शेल में, और आपने देखा था एन माइनस 1 के लिए 18 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 0.85। तो ये हो गया आपके पास 0.85 इंटू 18 प्लस बाकी इनर इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था 1, और वो इनर इलेक्ट्रॉन्स कितने थे आपके पास 10, तो दैट इज 1 इंटू 10। इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 0.35 प्लस ये मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 144 प्लस 9 153, मतलब 15.3 प्लस ये हो गया 10, इसको आप ऐड करोगे तो कितना हो गया, 15 प्लस 10 25.6
6.5। तो जिंक में एस इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट आपको कितना मिल गया, 25.65। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते थे कि यहाँ जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस है डिफेक्टिव, वो कितना हो गया, 30 माइनस 25.65, जो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, विच कम्स आउट टू बी 4.35। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन केस ऑफ जिंक ऑन एस इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच, राइट, इट इज 4.35। क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, सपोज तो इन दैट केस अगर आपने एक और एग्जांपल लें कि सपोज कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सपोज क्लोराइड आयन, अगर हमें क्लोराइड आयन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कैलकुलेट करना हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, तो अब आप देखो क्लोराइड आयन का कॉन्फिगरेशन कितना हो गया, वैसे तो क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया सो इट बिकम्स 18, और 18 के लिए कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, राइट। तो यहाँ वो प्रेजेंट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके लिए हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अगेन आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालोगे, पहले स्क्रीनिंग कांस्टेंट यहाँ पे कितना हो गया, अब देखिए वैलेंस शेल में वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स थे 8, लेकिन इनमें से हमने एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया, तो अब कितने बचते हैं आपके पास, यहाँ पर बह रहे गए अब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना हो गया, इट इज 0.35 × 7, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा था कि n माइनस 1 वाले जो हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, दे कंट्रीब्यूट ऑफ 0.85। तो n माइनस 1 के कितने हमारे पास 8, तो प्लस 8 × 0.85 और बाकी इनर कितने हैं 2, तो 2 × 1, ठीक है। इसको आप सॉल्व करें तो कितना हो गया, ये 2.45 प्लस ये मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 6.8 प्लस 2, ये सॉल्व करके आपके पास हो गया 5। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग कांस्टेंट आपको मिल गया 11.25। तो अब Z इफेक्टिव इस केस में कितना रह जाएगा, यस, अब आप इसको ले लोगे कितना, 17 माइनस 11.25, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ले रहे हैं तो हमने यहाँ पे 17 लिया है, नॉट 18, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स 18 हुए थे एनायन में, लेकिन प्रोटॉन्स अभी भी कितने थे, 17 ही थे। तो आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए 17 वैल्यू ही लोगे, और अब ये आपको वैल्यू सॉल्व करके कितनी मिल जाएगी, 5.75। तो इन केस ऑफ क्लोराइड आयन द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम्स आउट टू बी हाउ मच, 5.75, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करना इससे इम्पॉर्टेंट हो जाता है ताकि जब आप एटॉमिक साइजेस को कंपेयर करते हैं तो आप इन एटॉमिक साइजेस को प्रॉपरली कंपेयर कर सको, ठीक है।
कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे ऑफ द चैप्टर. इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है पोटेशियम आयन एंड सल्फाइड आयन हैव different sizes although their electronic configuration is same. ठीक है, इनके लिए इनके साइजेस डिफरेंट हैं जबकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस सेम है. अगर आप देखिए पोटेशियम आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 19 इसका एटॉमिक नंबर था. पॉजिटिव आयन बना, एक इलेक्ट्रॉन चला गया. अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचते हैं, 18. और 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको कॉन्ट्रीब्यूशन कितना मिल, कॉन्फिग्रेशन सिग्मा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. इसी तरह से अगर आप सल्फाइड आयन के लिए भी देखो तो सल्फाइड आयन में क्या था, एटॉमिक नंबर 16 में दो इलेक्ट्रॉन्स और ऐड हो गए और फिर यहां पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18 एंड कॉन्फिगरेशन इज सेम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. लेकिन बिकॉज ऑफ सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे तो हम एक्सपेक्ट करते थे कि इनके एटॉमिक साइजेस सेम होने चाहिए, लेकिन आप देखते हो कि इनके साइजेस सेम नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि अगेन इसको कंपेयर करने के बहुत से तरीके थे. एक तो पोटेशियम के केस में आपने देखा था एटॉमिक नंबर वॉज 19, तो 19 प्रोटॉन्स वर अट्रैक्टिंग 18 इलेक्ट्रॉन्स. और यहां पे क्या हो रहा है, सल्फर के केस में 16 प्रोटॉन्स आर अट्रैक्टिंग टू 18 इलेक्ट्रॉन्स. तो अब आप कह सकते हो कि इन केस ऑफ 19 यानी पोटेशियम जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन्स इज मोर एज कंपेयर टू दैट इन सल्फाइड आयन. तो वी कैन से के पोटेशियम आयन इज स्मॉलर देन सल्फाइड आयन. क्यों, ड्यू टू मोर न्यूक्लियर चार्ज ऑन पोटेशियम आयन. और वैसे भी आप देखो कि सल्फाइड में जब दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक रिपल्शन कॉज करेंगे और वैसे भी यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाएंगे और रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाएगा तो साइज बढ़ जाएंगे. ठीक है, तो यू कैन से कि सल्फाइड आयन इज लार्जर ड्यू टू lesser nuclear charge and more inter-electronic repulsions. क्लियर हो गया. ठीक है, तो यू कैन सी कि दोनों ही केसेस में आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम थे, लेकिन इनके साइजेस डिफरेंट थे. क्यों डिफरेंट थे, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या यू कैन से द न्यूक्लियर चार्ज वॉज डिफरेंट. ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम लोग यहां कंपेयर कर सकते हैं. Another question is
that first ionization energy of magnesium is larger than aluminium, but second ionization energy of aluminium is larger than magnesium. ठीक है, तो हम कंपेयर कर रहे हैं एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम एटम्स को. आपको पता है मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13. इनके कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखो तो मैग्नीशियम के केस में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. ठीक है, एल्युमिनियम के केस में जो आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है वो क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. तो अगर आप देखो, जैसा कि आपको पता है कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज कम होते हैं, और उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम एक्सपेक्ट ये करते थे कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, राइट. लेकिन यहां पर क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज लार्जर देन एल्यूमिनियम. रीजन, क्योंकि मैग्नीशियम में जो पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो कहां से निकलेगा, 3s2, 3s2 विच इज फुलफिल्ड एंड स्टेबल, मोस्ट स्टेबल. तो यहां फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लूज करके जो मैग्नीशियम आयन बनेगा Mg पॉजिटिव, वो क्या हो जाएगा, दैट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ठीक है, यहां पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो कहां से निकल रहा है, p1 से, p1 विच इज पार्शियली फिल्ड, और पार्शियली फिल्ड से ये क्या हो गया, इट इज लीस्ट स्टेबल. तो ये जब अपनी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर को यूज करेगा तो इट विल फॉर्म एल्युमिनियम 1 पॉजिटिव आयन. तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, सॉरी 3s2 एंड 3p0. ठीक है, तो आपने देखा एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कहां से, इट इज कमिंग आउट फ्रॉम 3p विच इज पार्शली फिल्ड एंड लीस स्टेबल. यहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है 3s से विच इज फुल फिल्ड एंड मोर स्टेबल. तो अब हम कह सकते थे बिकॉज ऑफ द सेम रीजन के फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम. लेकिन अगर अब आप इसको कंपेयर करो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी से, तो जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को लूज करने की बात होगी तो मैग्नीशियम का सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 3s1 से. 3s1 कैसा हो गया, इट इज हाफ फिल्ड मतलब लेस स्टेबल. और एल्युमिनियम के केस में अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 3s2 से निकलेगा. 3s2 मतलब इट इज फुल फिल्ड एंड मोस्ट स्टेबल. इसलिए अब यहां पर जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, वो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, एल्युमिनियम की ज्यादा होगी. तो अब आप कह सकते हो कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन सेकेंड
आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, राइट। तो ये एग्जाम्पल आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए था कि जब हम आयनाइजेशन एनर्जीज का कंपैरिजन करते हैं तो हमें सिर्फ एटॉमिक साइजेस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, एटॉमिक साइज से भी ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर जो आ जाता है वो है क्या, राइट, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो पहला फैक्टर आप साइज को देखोगे, उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी को, और उनके बेसिस पर हम डिसाइड कर पाते हैं कि किस केस में आपको ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी अप्लाई करनी होगी, राइट। फिर इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं अबाउट अरेंजिंग ऑफ द एलिमेंट्स, कुछ डेफिनेट ट्रेंड्स में जैसे दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ये कुछ एलिमेंट्स दिए हैं जिनको आपको अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और सपोज वो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं आपके पास, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, तो जैसे कि आपने पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ा हुआ है कि अक्रॉस पीरियड हम जाते हैं एटॉमिक साइजेस, राइट, एटॉमिक साइजेस डिक्रीज होते हैं, और एटॉमिक साइज डिक्रीज होंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, और उस केस में आप बिल्कुल आसानी से सोच लेते हैं कि लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और सबसे ज्यादा फ्लोरीन। लेकिन ये ट्रेंड आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको याद होगा जब हमने इस पीरियोडिक प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था तो हमने आपको कुछ एक्सेप्शनल केसेस बताए थे कि अगर हम कंपेयर करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13, तो ग्रुप 2 की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 13 से ज्यादा है। ठीक है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। और क्यों ज्यादा है ग्रुप 2 की आयनाइजेशन एनर्जी? बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाना चाहिए? लिथियम से ज्यादा बोरॉन और बोरॉन से ज्यादा बेरिलियम। और फिर ऐसा ही एक चेंज आपको मिलता है ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में। तो ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 16 से ज्यादा है, तो यहाँ पर ऑर्डर ये हो जाना चाहिए क्योंकि ग्रुप 15 में देर इज हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ग्रुप 16 में देर इज पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ये चेंजेस मिलते हैं, और इन चेंजेस को आपको क्लियरली याद रखना है। तो इस एग्जाम्पल को बताने का एक सिंपल रीजन ये था कि जब आप इस तरह के अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस करते हैं तो इन अरेंजमेंट क्वेश्चंस को करते वक्त यू शुड बी वेरी केयरफुल। आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे ऐसे एक्सेप्शनल चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस को आपको हमेशा कंसीडर करना चाहिए जब आप इनके इस तरह के क्वेश्चंस को फॉलो करते हो, राइट। फिर ऐसा ही एक क्वेश्चन जो एक्सप्लेनेशन पर बेस्ड है दैट वी कैन टेक हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ऑफ क्लोरीन इज नेगेटिव बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ऑफ क्लोरीन इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ
कि क्लोरीन पहला इलेक्ट्रॉन तो बहुत आसानी से गेन करने की टेंडेंसी रखता है, इससे इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन ये आसानी से गेन नहीं करता या बिल्कुल गेन नहीं करता, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज जीरो। रीजन फिर से आपने देखा क्लोरीन कि जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे दैट मीन्स इट इज गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन जिसका आउटर मोस्ट कॉन्फिग्रेशन था पहले 3s2 3p5, तो ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए, और ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अटेन कर लेता है एंड इट इज कन्वर्टेड टू क्लोराइड आयन, सो दैट इसका कॉन्फिग्रेशन हो गया 3s2 3p6। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही अब क्या हो गया, इट हैज एक्वायर्ड द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन, राइट। तो ऐसे केस में अगर हम सोचें कि ये एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि तो ऑलरेडी नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अटेन कर चुका है, इसलिए अब ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी नहीं रखता। तो इससे आप यहाँ पे कह सकते हो कि अब इसकी जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कैसी हो जाएगी, जीरो, जबकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अ नेगेटिव वैल्यू, और ये नेगेटिव वैल्यू ये शो करता है कि क्लोरीन आसानी से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। तो ये कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स थी आपकी रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और ऐसी ही सैम्पल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। गुड बाय, टिल देन।